हेलो एवरीबॉडी, नमस्ते फ्रेंड्स। आज की ये रीडिंग ऐसे व्यूवर्स के लिए है जो किसी पर्टिकुलर पर्सन के साथ अपना रिलेशनशिप इम्प्रूव करना चाहते हैं, बट दैट पर्सन इज़ नॉट हियरिंग यू एट ऑल, बिल्कुल नहीं सुन रहे हैं आपकी। दिस इज़ लाइक रेस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं आपको। तो फ्रेंड्स, ऐसे व्यूवर्स जिन्हें लगता है कि उनके पर्सन या पार्टनर कन्फ्यूज़न में हैं, ड्यूअलिटी में हैं, तो फिर ऐसे में दिस रीडिंग इज़ फॉर यू। सबसे पहले आपके पर्सन के साथ इस वक्त क्या चल रहा है वो देखते हैं। इससे आप समझ पाएंगे इफ़ योर पर्सन एक्चुअली वांट्स रिकॉन्सिलिएशन विद यू या आपके साथ इम्प्रूवमेंट लाना चाहते हैं। फ्रेंड्स, आप उन पर कॉन्सेंट्रेट करें, थिंक ऑफ देम, उन्हें विजुअलाइज करना है। फ्रेंड्स, डिटरमिन करें फेस कैसा दिख रहा है, उन्हें पास से विजुअलाइज करें और उनका नाम पुकारें अंदर ही अंदर। फ्रेंड्स, दो बातें देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं आपके पर्सन के साथ इस वक्त क्या चल रहा है, एंड सेकंड थिंग, इनके बैक ऑफ द माइंड में क्या है। कन्फ्यूज़न तो है फ्रेंड्स इस वक्त आपके पर्सन के साथ। फ्रेंड्स, कुछ कार्मिक रोल चल रहा है। फ्रेंड्स, कर्मास का कुछ खेल चल रहा है। मिररिंग नंबर आए हैं यहाँ पर 9, 11, 11, 9। कंप्लीट खामोशी है फ्रेंड्स, कर्मास का भी कुछ रोल चल रहा है। इन केस अगर आप मैरिड हैं तो हो सकता है देर इज़ सम लीगल जस्टिस गोइंग ऑन, और आपके पर्सन एक्चुअली कंफ्यूज्ड हैं कि उन्हें प्रोसीडिंग्स फर्दर करना चाहिए या नहीं। तो दिस इज़ एट प्रेजेंट। इन केस फ्रेंड्स, अगर पर्सन आपके सिंगल हैं और आपको लगता है कि आपने तहे दिल से प्यार किया है, सब कुछ ठीक है, बट ये किसी 3D लेवल के इश्यूज़ की वजह से आपके साथ प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, तो फिर ऐसे में दिस इज़ लाइक सैटर्न देख रहे हैं। ऑल राइट फ्रेंड्स, अब जानने की कोशिश करते हैं फ्रेंड्स इस पर्सन के बैक ऑफ द माइंड में क्या है। आप उनका नाम पुकारे फ्रेंड्स, उनसे कनेक्ट हों, हैंड्स शिवर करने लगे हैं। फ्रेंड्स, दिस पर्सन इज एक्चुअली अनेबल टू हैव ट्रस्ट, ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं आप पर, कुछ ट्रस्ट इश्यूज हैं। और जिस तरह की एनर्जीज हैं फ्रेंड्स, तो यहाँ लग रहा है कि दिस पर्सन कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाय सम लेडी फिगर। कोई लेडी हो सकते हैं फ्रेंड्स, डाइवोर्स्ड हो सकते हैं, तो दिस पर्सन इज अंडर देयर कंट्रोल। और साथ साथ फ्रेंड्स, इसमें कुछ धोखाधड़ी इंक्लूडेड है, तो उसको लेकर के भी दिस पर्सन इज अनेबल टू बिलीव, फेथ नहीं कर पा रहे हैं। अब हम देखते हैं फ्रेंड्स इस पर्सन के बैक ऑफ द माइंड में क्या है। फ्रेंड्स, पर्सन तो इस वक्त बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड दिखाई दे रहे हैं थर्ड पार्टी से। ब्रेकअप का ही माइंडसेट चल रहा है इस पर्सन का। फ्रेंड्स, बट देर इज समथिंग, सेवन ऑफ वॉन्ट्स। ये पर्सन फ्रेंड्स बहुत ज्यादा ट्रिकी बिहेवियर कर रहे हैं, चालाकी दिखा रहे हैं। दिस इज लाइक आपके अलावा अगर ऑप्शन है तो फिर दिस पर्सन डज वॉन्ट कि ब्रेकअप हो जाए, तब तो ये आपसे भागेंगे। देर इज वन मोर थिंग, अपने इंटेंशन अभी बताना भी नहीं चाहते हैं बिकॉज
थर्ड पार्टी के साथ ऑलरेडी भी अगर हैं तो थिंग्स आर नॉट रनिंग फाइन, उनके साथ चीज़ें ठीक नहीं चल रही हैं। तो फ्रेंड्स, दिस पर्सन मेंटली आप पर स्टक हैं, लगता है आपका रिलेशनशिप बहुत पुराना है इनके साथ, मेंटली आप पर स्टक हैं, बट प्रैक्टिकली थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस है। ये थर्ड पार्टी कोई लेडी फिगर हो सकते हैं फ्रेंड्स, और इसमें किसी तरह का डिसीट है, धोखा है। पर्सन आपके अभी आपको कुछ भी नहीं क्लैरिटी देने वाले हैं, अभी तो ये अपनी फीलिंग्स को, एक्शंस को और सिचुएशंस को हाइड ही करना चाहते हैं आपसे। देखते हैं फ्रेंड्स लॉन्ग रन में क्या एक्शन हो सकता है इस पर्सन का आपकी ओर। फ्रेंड्स, इन केस अगर आप अपनी मैरिटल लाइफ के लिए ही देख रहे हैं, अपने हस्बैंड और वाइफ के लिए, जहां आपके पर्सन थर्ड पार्टी से इन्फ्लुएंस्ड हैं या फिर आप दोनों के बीच कुछ लीगल सिचुएशन चल रहा है, तो फ्रेंड्स अभी लॉन्ग रन में आपको इस पर्सन की ओर से कोई भी साइन इम्प्रूवमेंट का दिखाई नहीं देगा। लेट्स सी डीप विद इन नसीब में क्या लिखा है इस पर्सन के। आप कॉन्सेंट्रेट करें फ्रेंड्स उन पर। और ये पर्सन फ्रेंड्स मैरिज करना भी चाहते हैं, बट दिस विल टेक टाइम। फ्रेंड्स लगता है ये पर्सन ट्विन फ्लेम जर्नी में है, तो इस पर्सन की लाइफ में कुछ न्यू डायरेक्शन लिखा हुआ है। न्यू डायरेक्शन का मीनिंग है दिस पर्सन कैन गो सम अदर ट्रैक। तो फ्रेंड्स गुड न्यूज़ इज, अगर आपके साथ डिस्टर्बेंस को चलते हुए एक लॉन्ग टाइम पीरियड लाइक मोर देन 1.5 ईयर हो चुका है, तो फिर दिस कैन बी यू जिसके साथ इनका नसीब लिखा हुआ है। एंड रिसेंटली ही आप दोनों में कुछ डिस्टर्बेंस आया है लास्ट 3 to 4 मंथ से, तो फ्रेंड्स अभी थोड़ा टाइम लगने वाला है, थोड़ा टाइम लाइक 6 मंथ्स भी हो सकता है। 6 मंथ्स के विद इन दिस पर्सन इज प्लान्ड फॉर मैरिज, या हो सकता है ऑलरेडी मैरिड हैं, तो आपके साथ अगर डिस्टर्बेंस चल रहा है तो दिस पर्सन विल थिंक ऑफ दैट, बिकॉज अभी कुछ क्लियर नहीं करना चाहते हैं। फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ 3 of Swords, 8 of Swords बता रहे हैं कि ये पर्सन कंप्लीटली स्टक हैं अपनी लाइफ में। थर्ड पार्टी भी अगर है तो खुश नहीं है फ्रेंड्स, कार्मिक रिलेशनशिप है। फ्रेंड्स पर्सन इस वक्त जिस भी रिलेशनशिप में है, अगर थर्ड पार्टी है, तो उनसे सेटिस्फाइड नहीं है, और आप ही अगर इनके पार्टनर हैं और यहाँ कुछ धोखा दिखाई दे रहा है फ्रेंड्स, तो अगर ऐसा कुछ हुआ है आप दोनों के बीच, तो दिस पर्सन डज वांट कि ये अपनी लाइफ को रीन्यू करें विद समवन एल्स। लेट्स सी ये मैरिज के साइन जो आ रहे हैं, द हायरोफेंट, सिर्फ मैरिज का ही साइन नहीं है, एक गुड काउंसलिंग का भी साइन है, तो आपके पर्सन को समझ आगे जाकर आने वाला है। यहाँ द गार्डन एंड द गेट आया है फ्रेंड्स, 3 नंबर है, जुपिटर का नंबर है, फैमिली एक सेटलमेंट को बताता है। तो यहाँ चांसेस लग रहे हैं फ्रेंड्स कि आपके पर्सन नेक्स्ट 6th-7th मंथ से लेकर 12th मंथ के बीच मैरी करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स आपको इसके बारे में ये पर्सन कुछ भी नहीं बताएंगे, तो ऐसे में फ्रेंड्स व्हाट यू नीड टू डू, बहुत चेज नहीं करना है, बहुत फॉलो नहीं करना है इस पर्सन को, और आपको अपनी इंडिविजुअल लाइफ में फ्रेंड्स ओपन अप रहना है, हार्ट से लाइट रहना है। इसके लिए फ्रेंड्स यू कैन
आप अपनी फीलिंग्स को शेयर करें विद योर जो भी आपके वेलविशर हैं मीनवाइल, बिकॉज डिप्रेशन और एंजाइटी से कुछ होने वाला नहीं है। पर्सन एक ट्विन फ्लेम जर्नी में लगते हैं फ्रेंड्स आपके, मिररिंग नंबर भी आए हैं यहाँ पर। पर्सन को लगता है कि आपके साथ जो अटैचमेंट है फॉल्स है, और इफ दिस पर्सन इज इन थर्ड पार्टी तो उनके साथ जो अटैचमेंट है वो फॉल्स है, एक झूठा मुखौटा बंधा हुआ है। फ्रेंड्स यहां दिखाई दे रहा है आपके पर्सन एक ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हैं, तो लेट्स सी ये जर्नी उनका आपके साथ है या किसी और के साथ। फ्रेंड्स साइन तो आपके लिए ही आ रहे हैं, नाइट ऑफ पेंटिकल पास्ट को दिखाता है और नाइन ऑफ पेंटिकल्स भी आ गया है यहां पर। परमानेंटली अगर आप ही इस पर्सन के लाइफ में हैं और कोई नहीं है तो फिर ऐसे में फ्रेंड्स दिस इज यू, आप ही हैं। और अगर कोई और भी है इनकी लाइफ में फ्रेंड्स, और दैट थर्ड पार्टी इज द रीजन आप दोनों के बीच डिस्टर्बेंस का, तो फिर फ्रेंड्स दैट थर्ड पार्टी इज कार्मिक, उनके साथ ब्रेकअप ऑलमोस्ट होने ही वाला है, बहुत क्लोज है। ये पर्सन आपको किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन अभी नहीं देना चाहते हैं। दिस इज लाइक जब ये पर्सन थर्ड पार्टी से फ्री होंगे तब ही आपसे कम्युनिकेट करेंगे इसके बारे में। जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस साइन बहुत प्रोमिनेंट आए हैं एयर साइन। इसके अलावा फ्रेंड्स नंबर से देखते हैं तो नंबर 92318 ड्राइवर नंबर या लाइफ पाथ नंबर हो सकते हैं इस पर्सन के या आपके। फ्रेंड्स ऐसे व्यूअर्स जिन्हें लगता है कि उनके पर्सन किसी थर्ड पार्टी से बहुत ज्यादा डोमिनेटेड हैं या इन्फ्लुएंस्ड हैं, उनके लिए लेट्स सी किस तरह का इन्फ्लुएंस है इस थर्ड पार्टी का उन पर। स्ट्रेटजी फ्रेंड्स अगर थर्ड पार्टी भी है और थर्ड पार्टी के साथ अगर थिंग्स फाइन नहीं चल रही हैं, दोनों के बीच अगर झगड़ा है बहुत ज़्यादा या बात ज़्यादा आगे बढ़ चुकी है, तो फिर यहाँ स्ट्रेटजी विद यिन यंग फिर से यही बता रहे हैं फ्रेंड्स कि दिस पर्सन इज इन अ ट्विन फ्लेम जर्नी, तो इस थर्ड पार्टी से ये सेपरेट होंगे। 21, 22 कनेक्टेड आए हैं तो 3 और 4 भी नंबर हो सकते हैं रिलेटेड। फ्रेंड्स आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है यस और नो के लिए तो आप पॉजिटिव वे में उसे अपने माइंड में रखें, एंजल से आंसर लेते हैं फॉर यस और नो। लेट गो, नो नीड टू वरी, इट्स अप टू यू। फ्रेंड्स पर्सन अगर आपको लगता है कि आपसे तो दूर ही जा रहे हैं तो फिर लेट गो करना होगा फ्रेंड्स, जाने देना होगा, बिकॉज यहाँ साइन जो आ रहे हैं नाइट ऑफ पेंटिकल्स द चैरियट, ये बता रहे हैं फ्रेंड्स कि दिस पर्सन विल टेक टाइम, और जैसे ही इनकी काउंसलिंग होती है, जैसे ही ये इंटरनली क्लियर होते हैं, दिस पर्सन हिमसेल्फ और हरसेल्फ विल कॉन्टेक्ट यू। तो आप अगर एंग्शियस रहेंगे फ्रेंड्स तब तो क्लैरिटी मिलना बहुत मुश्किल है। अगले कुछ मंथ्स लगेंगे फ्रेंड्स, और मंथ्स लाइक 7 to 10 मंथ्स भी हो सकते हैं। दिस इज ऑल हम देख रहे थे इस पर्सन के नसीब में क्या लिखा है। फ्रेंड्स इस पर्सन के नसीब में डांस करना लिखा है, नाचना लिखा है। टेम्परेंस है यहाँ पर जो बता रही हैं अप एंड डाउन लाइफ में हैं,
अप एंड डाउन का मीनिंग है, एक रिलेशनशिप अच्छा नहीं चला है और किसी दूसरे रिलेशनशिप में जाना हो सकता है। हालांकि ये पूरी कोशिश करते हैं अपने आप को उसी रिलेशनशिप में रखें, बट अगर थिंग्स बहुत ज़्यादा बिगड़ चुकी हैं तो फिर ऐसे में दिस पर्सन कैन आउट। तो फ्रेंड्स, अगर थर्ड पार्टी है तो दैट्स अ गुड न्यूज़ फॉर यू। अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो आपके लिए अच्छा है, थर्ड पार्टी से ये बाहर आएंगे। ऑलरेडी कुछ स्ट्रेटेजी चल रहा है, वो स्ट्रेटेजी हमें यहाँ भी दिखाई दे रहा है, व्हील ऑफ फॉर्चून द जस्टिस। लेट्स सी छुपा क्या रहे हैं। मेंटली आप पर स्टक हैं, कंप्लीटली स्टक हैं, लेकिन यहाँ सेवन ऑफ वंड्स बता रहा है कुछ तो हाइड कर रहे हैं। आप पर्सन का नाम पुकारें अंदर ही अंदर, फ्रेंड्स आपसे प्यार है इस बात को छुपा रहे हैं, बिकॉज चाहते नहीं हैं कि आपसे मूव ऑन करें। तो फ्रेंड्स, लेट दिस पर्सन प्ले, इन्हें खेलने दीजिए, इनके साथ जो भी हो रहा है उसे होने दीजिए, बिकॉज आप जब लिबर्टी पर आएंगे फ्रेंड्स, आप जब स्टकनेस से बाहर आएंगे, तभी कुछ जल्दबाजी में आप इनसे एक्शन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो फिलहाल तो इस पर्सन को जाने दीजिए फ्रेंड्स। थैंक यू, प्लीज़ टेक केयर।